नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का न्यू चैप्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें, लेट वी एंड डब्ल्यू बी द वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। जैसा कि आपने वेक्टर स्पेसेस कर रखा है कि अगर हमारे पास वी ओवर द फील्ड एफ एंड W ओवर दी सेम फील्ड F आर दी वेक्टर स्पेसेस, देन एक मैप है हमारे पास P फ्रॉम V टू W इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और F होमोमॉर्फिज्म इफ T ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू v। एंड सेकेंड वन इज, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि अगर t ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी एक्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f, f यहां पे हमारे पास क्या है, फील्ड का एलिमेंट, और फील्ड के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर, और वी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो एक्स और वाई यहां पे वेक्टर हैं और अल्फा हमारे पास क्या है, स्केलर। नाउ टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी एक्स। अगर कोई मैप फ्रॉम वी टू डब्ल्यू अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, देन उस मैप को हम क्या बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एफ होमोमॉर्फिज्म। जैसा कि आपको याद ही होगा जब हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किया था कि अगर हमारे पास जी वन एक ग्रुप है और जी टू एक ग्रुप है, यहां पे जी वन ग्रुप है अंडर द कंपोजिशन स्टार और जी टू एक अलग ग्रुप है जिसकी कंपोजिशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर हैश कंसिडर कर लो, एफ कोई मैप जी वन टू जी टू उसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलते थे। अगर एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई, अगर कोई मैप फ्रॉम जी वन टू जी टू ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन उस मैप को हम बोलते थे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो सिमिलरली यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे तो कंपोजिशन, जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर स्पेसेस में तो कंपोजिशन फिक्स है, एक तो प्लस है एडिशन और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास फिक्स ही रहेगा, यहां पे प्लस रहेगा और यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहेगी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैप अगर ये वाली प्रॉपर्टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन उस मैप को हम क्या बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ अब एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारे पास एक मैप गिवन है टी फ्रॉम आर क्यू टू आर स्क्वेयर, यहां पे वी हमारे पास आर क्यू है, ये हमने वेक्टर स्पेस में ऑलरेडी कर रखा है कि आर क्यू थ्री टपल ओवर द फील्ड ऑफ आर इट इज ए वेक्टर स्पेस। सिमिलरली यहां पे डब्ल्यू की यहां पे हमारे पास क्या है, आर स्क्वेयर। तो हमने ये प्रूव करना है, मैप हमें दे रखा है डिफाइंड बाय आर क्यू टू आर स्क्वेयर डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड कॉमा एक्स प्लस वाई। तो हमने ये प्रूव करना है कि टी हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू मैप अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, टी ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है हमारे पास, यहां पे वी के एलिमेंट्स हैं, अगर तो टी ऑफ एक्स प्लस टी वाई फर्स्ट वाली ये प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे क्या थी, टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी एक्स वेयर एक्स वाई एलिमेंट्स वी के हैं और अल्फा जो है किसका एलिमेंट है, फील्ड का। तो
अब v हमारे पास क्या है आर क्यूब, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, v के दो एलिमेंट कंसीडर करने हैं x और y। यहां पे हमारे पास v के दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे, मीन्स 2-3 टप्पल कंसीडर करेंगे, दो एलिमेंट कंसीडर करने हैं आर क्यूब के। नाउ लेट कैपिटल x x1, y1, z1 एंड y x2, y2, z2 हमने दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए v के, v मीन्स आर क्यूब के दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए एंड और अल्फा, यहां पे हमारे पास फील्ड कौन सी है, रियल नंबर की, और एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया हमने अल्फा, लेट अल्फा बिलोंग्स टू r बी ए स्केलर, तो हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिए x और y आर क्यूब के, और अल्फा रियल नंबर हमने कंसीडर कर लिया बी एलिमेंट्स। नाउ सबसे पहले तो अगर बात करें टी ऑफ एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा टी ऑफ एक्स, तो टी ऑफ एक्स मीन्स टी ऑफ x1, y1, z1, तो बाय डेफिनेशन टी ऑफ x1, y1, z1 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज z1, x1+y1। और सिमिलरली अगर टी ऑफ वाई की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ x2, y2, z2 दैट इज इक्वल टू z2, x2+y2। नाउ अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी वो हमारे पास क्या है, टी ऑफ x प्लस वाई। नाउ x प्लस वाई अगर दोनों को ऐड करें वो हमारे पास आ जाएगा x1+x2, y1+y2, z1+z2। तो ये हमारे पास एक तरह का स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, और जैसा कि हमें गिवन है कि t ऑफ x y z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, z x+y x1+x2+y1+y2। नाउ विच कैन बी रिटन एज z1+z2, x1+x2+y1+y2। नाउ वी कैन स्प्लिट इट एज z1, x1+y1+z2, x2+y2। और अगर z1, x1+y1 की बात करें, z1, x1+y1 की बात करें, दैट इज टी ऑफ x1, y1, z1 मीन्स टी ऑफ x, और ये हमारे पास आ जाएगा यहां से दैट इज टी ऑफ y। सो हेंस वी हैव टी ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने प्रूव कर दी कि ये जो मैप है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव करता है। अब सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ अल्फा एक्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्स का है इसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा एक्स वन, अल्फा वाई वन, अल्फा जेड वन। नाउ ये हमारे पास स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड है। अब टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की अगर बात करें, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की अगर बात करें, दैट इज इक्वल टू z, x+y। तो ये हमारे पास आ जाएगा z, x+y। सो विच कैन बी रिटन एज, अगर अल्फा कॉमा ले लें तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा अल्फा कॉमा z1, x1+y1। सो क्लियरली दिस कैन रिटन एज, अगर यहां पे बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ एक्स। सो देयरफॉर नाउ दिस कैन बी रिटन एज अल्फा टाइम्स टी एक्स। तो देयरफॉर टी ऑफ अल्फा एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, अल्फा टाइम्स टी एक्स। तो इट मींस ये वाला जो मैप है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस वी कैन से दैट ये जो मैप है इट इज ए
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है चेक वेदर ए मैप टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन कॉमा टू एक्स वन प्लस वन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास ये मैप गिवन है, हमने ये चेक करना है कि क्या ये मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मीन्स क्या ये मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर तो दोनों करता है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं करता देन ये मैप जो होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में अगर तो कोई भी रिजल्ट या कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रॉपर्टी अगर तो सेटिस्फाई करती है कोई रूल, तो हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। कोई रिजल्ट आपने प्रूव करना है कि ये रिजल्ट होल्ड करता है, ट्रू है, तो आप उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, और अगर नहीं करता तो हम उसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए वी, ये हमारे पास वी है और ये हमारे पास क्या है डब्ल्यू, दोनों क्या है हमारे पास सेम। ठीक है, हो भी सकते हैं सेम, नहीं भी हो सकते। तो सबसे पहले तो हम वी के दो एलिमेंट कंसिडर करेंगे एक्स और वाई। नो लेट कैपिटल एक्स एक्स वन कॉमा वाई वन, चाहे आप एक्स वन कॉमा एक्स टू कंसिडर कर लो, लेट एक्स वन कॉमा वाई वन। तो अब यहां पे हम क्या कंसिडर करते हैं एक्स वन कॉमा एक्स टू, एंड एक एलिमेंट वाई कंसिडर कर लिया, दैट इज वाई वन कॉमा वाई टू बिलोंग्स टू वी बी एनी एलिमेंट। हमने वी वेक्टर स्पेस मीन्स आर स्क्वायर के दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए। नाउ एक्स प्लस वाई की बात करें अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वन प्लस वाई वन कॉमा एक्स टू प्लस वाई टू। और अगर t ऑफ x की बात करें तो t ऑफ x हमारे पास मीन्स t ऑफ x1 वन कॉमा एक्स टू, तो यूजिंग दिस मैप दैट इज इक्वल टू x2 टू प्लस एक्स वन कॉमा टू एक्स वन प्लस वन, एंड t ऑफ y दैट इज t ऑफ y1 वन कॉमा वाई टू। तो ये हमारे पास x1, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो ये दैट इज इक्वल टू एक्स वाई टू प्लस वाई वन कॉमा टू वाई वन प्लस वन। नाउ अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है टी ऑफ एक्स प्लस वाई, तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा टी ऑफ एक्स वन प्लस वाई वन कॉमा एक्स टू प्लस वाई टू। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स वन है, ये हमारे पास वाई वन है, और वी कैन से दैट दिस इज एक्स वन दिस इज एक्स टू। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आएगी, एक्स टू प्लस एक्स वन, एक्स टू प्लस एक्स वन कॉमा टू एक्स वन, इसका डबल कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू एक्स वन प्लस वन। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई टी ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी टी एक्स प्लस टी वाई, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड तो हमने कर ली, अब राइट हैंड साइड की अगर बात करें, नाउ टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, नाउ टी ऑफ एक्स की अगर बात करें, नाउ टी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था एक्स टू प्लस एक्स वन कॉमा टू एक्स वन प्लस वन प्लस टी ऑफ वाई की अगर बात करें तो टी ऑफ वाई हमारे पास क्या था वाई टू प्लस वाई वन कॉमा टू वाई वन प्लस वन। तो जब दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वाई वन प्लस वाई टू कॉमा टू एक्स वन प्लस टू वाई वन प्लस वन प्लस वन, हमारे पास क्या आ जाएगा टू। तो टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई हमारे पास क्या आ गया, तो यहां पे हमारे पास क्या था जब लेफ्ट हैंड साइड हमने की टी ऑफ एक्स प्लस वाई, तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई, अब यहां पे दोनों को कंपेयर करो तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स
तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ठीक है, लेकिन ये वाला एलिमेंट आपस में मैच नहीं करता, इक्वल नहीं है। सो देयर फोर टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। सो देयर फोर अगर ये वाला जो मैप है अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करता, देन इट मीन्स ये जो मैप है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है तो एक एग्जाम्पल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप धीरे धीरे करने लगोगे ना क्वेश्चन, स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे प्रूव करना है, कि एग्जाम्पल देनी है या नहीं देनी है। जब आप करते जाओगे तो आपको वैसे देखने भी पता चल जाएगा कि ये मैप, कोई भी मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं होता। जब यहां पे ऐसा कॉन्स्टेंट कुछ ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए या मॉडुलस आ जाए, तो ऐसे केसेस में वो मैप जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट है, ये 100% रूल नहीं है, ठीक है। तो क्लियरली अब यहां पे कॉन्स्टेंट ऐड था, अगर तो यहां पे कॉन्स्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई होता एक्स वन एक्स टू, फिर तो काम चल जाता, फिर तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मैप बन जाता। सिंपल कॉन्स्टेंट है तो ये मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर आपको पता चल गया है कि मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये करने की बजाय एक एग्जांपल से भी काम सार सकते हो आप अपना। उसके लिए कोई भी दो एग्जांपल आप कंसीडर कर लो, दो एलिमेंट पहले तो कंसीडर करो, लेट 2,5, यहां पे ये कैपिटल एक्स कंसीडर कर लिया और वाई मैंने कंसीडर कर लिया, 1,-1 या 1,3 आप कुछ भी कंसीडर कर लो, बिलोंग्स टू वी बी एनी एलिमेंट्स। अब टी ऑफ 2,5 की बात करें, टी ऑफ एक्स या ये हमारे पास क्या है, टी ऑफ एक्स, तो बाय डेफिनेशन टी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा 2x1 + 1, इसका डबल किया 4 आ जाएगा, 1 ऐड कर दिया तो 5 आ जाएगा, और टी ऑफ 1,3 जो आ जाएगा x1 + x2 + x1 दैट इज 4 कॉमा 2x1 + 1 दैट इज 3, ठीक है। तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई की बात करें, नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को ऐड करेंगे। जब एक्स और वाई को ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, जब एक्स और वाई को ऐड किया, दोनों को ऐड किया, ये हमारे पास आ जाएगा 3,8। अब टी ऑफ 3,8 क्या आ जाएगा, बाई डेफिनेशन x2 + x1 + 2x1 + 1 दैट इज 7। तो लेफ्ट हैंड साइड टी ऑफ एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया, 11,7। और अगर टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई की अगर बात करें स्टूडेंट्स, टी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 7,5, और ये हमारे पास 4,3, तो ये हमारे पास आ गया 11,8। क्लियरली दोनों की आउटपुट जो है दैट इज नॉट सेम, सो देयर फोर वी कैन से दैट टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। इट मीन्स ये जो मैप है ये आपने दोनों काम नहीं करने, कोई एक काम करना है, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो मैप है, जो गिवन मैप है, दैट इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की, एग्जाम्पल की, तो कैसे प्रूव करना है, तो आज आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डेफिनेशंस और थ्योरम्स करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। टिल देन थैंक यू।